अच्छा, तो हिंदुस्तान में कौन सा गांव रहा करते? खेड़ी शेर खां। खेड़ी शेर खां में? ठीक ठीक ठीक। फिर मशहूर थी खेड़ी डड्डे वाली। डड्डे गो तो डड्डे गो तले लोग बैठे हो क्यों रहे? हमने डड्डे गए करते। हाँ मारे कुंती उठा रहा था कोई भी। अच्छा ना उठा रहे हैं दब तो उठा रहे हैं ना। ये जी कोई भाई इन बुजुर्ग बात करना चाहवा तो यू नंबर है व्हाट्सएप नंबर। इनका पोता का नाम क्या भाई तेरा? मोहम्मद कासम। इसका नंबर है 0092343711156। यू स्क्रीन पे भी दिखाने की ट्राई कर रहे हूँ मैं, स्क्रीन पे भी दिखाना आ रहा है। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप है ना, ये व्हाट्सएप पे भी है, वैसे भी कोई देखना चाहो तो। और बुजुर्गों ने जी बहुत डिटेल तो बताई है, इस वजह से मैं ना ये दो तीन पार्ट में करके दिखाऊंगा, या कोई इनके इन्होंने क्या है ये भाई और हैं भी उसको एडिटिंग ना करियो काटियो ना, तो शायद कुछ लोग सुनकर बोर हो जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग है जो सारी सुनेंगे तो बहुत अच्छी दास्तान सुनाई बुजुर्गों ने। अच्छा एक बताओ कितना जो से रह गया उड़ा है, इनमें हिंदू है कि मुसलमान है? ना हिंदू ना मुसलमान। और कुछ ना हिंदू गोल्डन बर्थडे उनका है। अच्छा मैं जो है जने बड़े बड़े हों जो ये मर गए। छज्जू था मसाउर। अच्छा और जवान भी तकड़ा था जत्तो। अच्छा अच्छा फिर भाई। अच्छा अरबा जो साल लंबरदार था मुसलमान? हाँ वो लंबरदारी है क्या खुश की? उस ठोकने की है, बड़ा तो मर गया था। अच्छा अच्छा एक बताओ तो मुसलमान कद बने किस तरह बने, यू पता है कोई कोई बुढ़ेरे दादे पर सुने हुआ? कद बने होंगे को सुने बेरा हुआ भी किस तरह बने, कद बने कोई दौर का बेरा कोई? उनका तो मैंने कोई नहीं बेरा मार लिया तो बेरा है। अच्छा किस तरह हतार ले तारे वाले किस तरह बने थे, किस दौर में बने थे? मारे थे हिंदुओं हिंदू चार भाई। अच्छा ऊपर कर ले जाई ले ले बर्तन ज्यादा सड़ जाएगा। चार भाई थे। अच्छा छोटम छोटा था जो सब मारा दादा। अच्छा पैर ऊपर कर ले और फकीर हो गए थे अपने जोड़ों पे। हाँ और जोड़ों पे भी हो गए थे, आसना में भी आसन भी कई करते उनके दे जाने। हाँ आश्रम। हाँ आसन वो आसन में जमीन भी थी डेरा करने। अच्छा फकीरों का ने और कोथा गांव था। हाँ कोथे गांव कोथे वाले बैठे हैं, कोथे के मारे रिश्तेदार हैं सिंध मैरापुर बैठे हैं। कोथे गांव था कोथे के थे। अच्छा फकीर नहीं गांव असल इंडिया में। अच्छा तो हम कोथे के थे पहला। हाँ जड़ से हमारा दादा मुसलमान हो गया। अच्छा दादा मुसलमान हो गया हमारा। अच्छा जरा हम थे नहीं खेड़ी में हमारा सर न्यू न्यू दक्षिण को नहीं था चौदह पंद्रह कोस। अच्छा दस ग्यारह कोस। अच्छा उठा का जो हो था नहीं बाबा फकीर पलकी में चाले करता। अच्छा पलकी में मैं उसके शिविर अच्छे जैसे में ठहर जाते। हाँ हाँ डोली चक्कर है। हाँ हाँ मैं समझ गया। मारा करे करता। अच्छा अच्छा मरता अगला बड़ी यारी थी उसकी। अच्छा सर्दी हो गर्मी हो काम कुम कर उसको तो रहा करता। और लोग भी छोड़े सारे कठे हो जाते और सारे उसका जिंदा उतार दादा बैठे रहा फिर उठा बैठा रहा वो पुछन लग गया उसने फकीर ने बाबा ने गद्दी वाला ने। हाँ हाँ बोले बाबा असल मजम कोसा है। बोले भाई अपना ही है असल। उसने पर्दा नहीं पाड़िया मैं मुसलमान भी हूँ। वो बोले अपना ही है असल मजम खड़ा कर दिया। उन्हें सही सही बता असल उसने बताया। फिर बोले तो तेरा मतबल बता मैंने कहूँ असल मजम ये जो है मुसलमान है इनका कुकुर है।
बोले असल तो फिर इन्हें का है, असल मजम इन्हें का है भाई, ये जो है नहीं जो कलमा है इनका, वो कलमा जब बगैर बख्शीश को नहीं ना जन्नत में जाते, वो दो जग फिर अपने खतर दो जग जो ही बन रही है वो नरक कह कर दे दो जग ने, और सुरग कह कर दे विष्ट ने, वो सुरग में कौन जानते फिर ये नरक में जाएंगे बगैर कलमा के, अगे भी सिक्यावा कौन अग तो सिक्यावा देख दे पर दमे ना पाता तेरा इबो अगर नहीं को नहीं पाता वो बोले चल दौड़ में नड़ाया उसने, फिर उसको अजू कराया अजू करवाएगा बोले आ जा वो पटियार हो गए पटियार सिंकों के इनके कन्या के मतलब उसमें तो उसने करान कर दिया एडबडी छोटी करान एडबडी बड़के तो सारे थी छोटी मतलब वह पढ़ाई उसने यह देख इसके बगैर बख्शिश नहीं छुटकारा को वह फकीर आप भी मुसलमान होगा मुसलमान था वो मुसलमान फकीर भी मुसलमान होगा अंदर तो मुसलमान था वो हिंदू में था बैठा रहा करता नू है सारा अच्छा पढ़े भी करता ना कुरान वो भाई वो आप भी मुसलमान बन गया होगा ना अच्छा मुसलमान था पहले मुसलमान था अच्छा फिर उड़ता वो मुसलमान बन गया वो हमारा दादा ने उसने नमाज भी सिखे दी और जानदार कुरान भी सिखे दी अच्छा एक भाई मुसलमान बना तीन हिंदू रह गए उसने उनका बाबू भी जुआ था अच्छा चार मांगा बाबू भी जुआ था वो कहने लगा दो थोड़े हो गए थे उस पर मारा था दबे बोला रहे दो थोड़े तो इस पर हो रहे हैं उनका बाबू कहने लगा अगर इसने बैठ दो सवेरे वाली नमाज पढ़ा था शराक वाली चमारी आ गई लाशी लेने दसारी दादू थी नी उसने पहला पूछ लिया था तो क्या करे करे अगर मैं राम के ना नहीं हूँ ना नहीं तो कोई निंदे राम के ना तुम तो कुआ धरती में जावा है कुआ न्यू ये है ये तो न्यू सूरज को न्यू न्यू करके राम के ना लिए हिंदू बस बोले भाई जे तेन कुनबा भी प्यारा लग गया भाई भी तेरे प्यारे लग गए जे सदर मेरे लिए तो नजायज था बोले मैं दे हूँ तेरे मेरे बाप ने मैं तेरे गल्ला हूँ मैं तेरे गल्ला हूँ पक्की पक्की उसने भी नमाज कह दी फिर वो शराब की नमाज पढ़ा था रुआम जो हमारी दादी थी नी उसकी वो वह गोबर गोबर पाथन बिक गई और वो जो नमाज पढ़ा था चुमारी आएगी लाशी लेने उन्हें देख लिया उसने देखा था इसका तो दर्द बहुत हो रहा है कोड्डा मुद्दा हुआ है मैं कुआ पेट पकड़ ले है फिर कोड्डा मैजे है फिर धरती में सिर मारा है फिर खड़ा हो है उसने जाकर वो दूसरी नाम चाह दिया तारा जोर तो नन्नू हो रहा है ना आपके खसमा बता कि इसका तो तकलीफ बहुत जोर की है आए देखा दरअसल कौन बेरा था उनने अच्छा वहाँ आए आके बोले भाई की तकलीफ तेरा बोले मेरे तो कुछ भी नहीं ठीक बैठे तुम तेरे नमाज न पढ़ के पहले मेरे तो कोई तकलीफ नहीं मुँह बका दिए था मैं अगर ना कुआ मुंडा पड़ जाए और कुआ कुछ मैं
ਫਿਰ ਉਠ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਪੈਟ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਕੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਤਾ ਦੀ ਹੂੰ ਬਤਾ ਦਿਆ ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੂੰ ਉਹ ਬੂਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬਾਬੂ ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਦੋ ਥੋੜੇ ਵਰੇ ਹਿੰਸਕੇ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੋ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਗੇ ਹੂੰ ਭਾਈ ਕੁਛ ਬਾਤ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਉਹ ਗੋਬਰ ਪਾਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਜੜਾ ਜਾ ਗੋਬਰ ਪਾਥਾ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੂੰ ਅੱਕਾ ਬਜਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੇੜ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇੜ ਲਿਆ ਉਸ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਥੂਆ ਰਾ ਥਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਬਰ ਗੇੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਦੇਖਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਪੜੀ ਅਗਨ ਕਰ ਲਈ ਅਗਨ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨੇ ਗੇੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਨੇ ਗੇੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਾਏ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਤਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਥਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਉਹ ਥਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਥਾਪੇ ਗੱਡੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਾਟ ਬੂਟ ਕਰੇ ਦੰਦਾ ਬਚਾ ਡੋਂਗਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਅੱਗ ਮਾਰ ਗਾਡੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਗਾਡੇ ਕਹੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਗਾਡੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਟੋਕਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੋਕਰਾ ਠੈਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀ ਦਾਦੀ ਬਾਜੀ ਸੰਗਲ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜੀ ਗਈ ਉਹ ਪੜ ਕਰ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਕਬਾੜ ਖੋਲ ਦੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਦਿਆ ਬਾਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਠਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਜਣ ਮੈਂ ਖੰਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਆ ਉਠਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕਰ ਮੁਲਕ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਾ ਬਹੁਤ ਛੁਚਕਾ ਪੜਿਆ ਭੱਜ ਗਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੱਛ ਵਾ ਮਾਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਜੋ ਸੀ ਜੇਲੀ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਦੋ ਸਿੰਗੜ ਆਉਣੀ ਜੇਲੀ ਦੋ ਕੁ ਸਿੰਗੜ ਬਾਂਸ ਕਾ ਨਾਲਾ ਥਾ ਡੰਡਾ ਵਾਹ ਉਸਕਾ ਪੱਛ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਦਾ ਕਹੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਫਿਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੇਖੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾ ਜੇ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਗਲੀ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਰਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਬੈਗ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਿਜੂਕੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠਾ ਸੰਭਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਘਰ ਦੇ ਦਿਆ ਔਰ ਬਾਈ ਦਾਣੇ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਕੇ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੜੀ ਹੈ ਬੁਆ ਲਿਆ ਚਾਹ ਤੋ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਨਵਾਂ ਸੋਰਟ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੁੱਕਰ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਉਸਕਾ ਸਿਰ ਤੈਰ ਦਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੋ ਕਾ ਦਾਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਸਕਾ ਸਿਰ ਤੈਰ ਦਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਬਾਏ ਫਿਰ ਦਿਨ ਲਿਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜੁਨ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਥਾ ਕੋਈ ਉਸਮੇ ਦੁਕਾਈ ਗੋਬਰ ਗੋਬਰ ਗੋੜਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਵਾਂ ਜਾਵੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁਲਕ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਹਿੰਦੂ ਰਲਦੇ ਗਏ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਉਹ ਲੁਕਾਈਆਂ ਨੇ ਕਹਾ ਦੇਖਿਓ
ਸਿਰਨ ਸਰ ਮੰਦਨ ਵੜਦਾ ਆਵੇ ਹੈ ਮਰਦਾ ਆਵੇ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡਿਆ ਪਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੱਬਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋ ਥੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੇੜੂ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਾਇਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਜੇੜੂ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇੜੂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਤਪੁਰ ਆ ਗਿਆ सैदपुर आए पाकिस्तान में डेबड़ू वाले पाकिस्तान आगे उड़े है डेबड़ू वाले आगे पाकिस्तान में खड़ा है एक दो घर इस पास भी है आयर में पाछे बैठे है भाई फेरू भाई फेरू भाई फेरू को अलीपुर बूढ़ा में बैठे हैं उन्हें कहे हैं मक्खी मार कड़े बैठे हैं अलीपुर बूढ़ा अलीपुर बूढ़ा कड़ा है अलीपुर बूढ़ा इसमें शेखुपुरा में शेखुपुरा में चलो ठीक है बुजुर्ग हाँ मैं भी मारे गोती आगे नहीं तोड़ लो नहीं जमीन में और आबाद कर लो खेड़ी शेर खान में हाँ शेर का खेड़ी है शेर का खेड़ी अच्छा ये मुसलमान हो गए थे हमें पहले मार मुसलमान थे ना जो से दब दड़े ये जो ही तोड़ दे नहीं जमीन बना दे जमीन बना दे वो हिंदू खोश लंदे का आगे नहीं तोड़ लो हिंदू खोश लंदे नहीं पता हाँ हाँ फिर आ गए मैं नुन्ना उस दिन वहां में है अखीरी सुना तुम मारे जो तीन थाने चढ़कर आए गए एक थाना उठे का था कल्याण फिर जाऊंगा मैं सतपुरा सपीदो में अच्छा सपीदो में थाना लगा उठे हिंदू रंगड़ थे राजपूत हिंदू और उठे का थाना था वो भी मैं पुलिस कप्तान कहे करते जी डीएसपी ने बारह थाने बावे करता पुलिस कप्तान वो भी मैं आकर छापा मारा भाई उन्होंने शिकायत करी कि मारे मुल्क ने तू कर देता है मारे डांगर कौन छोड़ देंगे ये जो है दो भाई थे जिसके मारे दादे दो ब्याह खेड़ी में इनके वो बिगे भाई कहते हमने लियो उरा और नहीं तो तमें चलो बोले उरे तम के करेंगे उरा हमने पुलिस तंग करे है और रोजे आई खड़ी रहे है और नहीं करो उठे चल लांगे हम नहीं पुलिस तंग करे है मुन्ने तीन थाने की पुलिस हैरी थी कप्तान भी गल लाई था नवाज का बखत्ता का छप्पा मार कर वहाँ
कोठे बिछा ली बोले भाई तुम चोरी करो हूँ बोले जी करा कहने लगे करा हूँ फिर बोले ये देख लो मारे यहाँ माल लग रहा नहीं आ मेरे इनकी हो जी दे जो वो घरा क्या ना रखन दे किसी को डंगर बारी बार टपाए दे बारी के बारी टपाए दे मैं बोले देखो भाई निखौड़ो कर तो पाओ था बोले तुम जो हिंदुआ ने कहने लगे तुम जो खो लो वो कप्तान बोलिया हिंदू था भी देखो बड़ा उसने क्या कह कर दे रहे चलो बड़ा अफसर था कोई भी था डीएसपी डीएसपी था एसपी था पुलिस कप्तान कह कर दे अच्छा पुलिस कप्तान कहने लगे तुम जो खो लो मुसलमान ने हिंदुआ ने हम ये सच्चे हैं ये नहीं कहे हमने देख कर राजी को नहीं भाई यहाँ उड़ा रहे ना न्यू राजी को नहीं टेम क्यों करा मैं जाऊँ भाई जाओ दिन चढ़ गया दोपहर ने सारे गांव के माल जंगल जोड़ पाए कर दे बाहर तो को खेत में पानी कौन था और उस गांव में तो पानी था जोड़ा में उठा ये कर दे और पुलिस कप्तान कहने लगा इनने पूछी भाई मारे जाने मारे दादा ने भाई रोटी राटी तारी मनावा बोले ना मारी रोटी उठे थाना उसे गांव में था कल्याण तुम के थे सपीदम साथ पर आ सपीदम में सपीदम में पुलिस कप्तान का तसल्ली होगी भाई झूठ बोल रहे दो कहने लगा दोपहर हो गया नहीं मतलब जाओ तो मैं रोटी दो जने खाओ दो जने उड़े बैठे रहो चार भाई थे दो जने बिक गए और देखा मारा जान सपीदम उसका कलैत का डांगर सारे तोड़ पाए थे उन्होंने बक लिए सारे शेर लिए अपने नहीं छोड़ा एक कटरुआ भी जाकर रोड बैठे रोड जो मन की थी रोड गांव मुसलमान थे रंगड़ वहां भी अपने धूम नोर उठे छोड़े मैं तो आएगा नर मास मुंह दो कर उठा के खाए रोटी भाई और खाए इतने नर पड़ के रुको भाई उठे तो आगे कट्ठे पता लग गया भाई उठे हिंदो रे पुलिस आ रही दो तीन थाने की वहां आ गए भाई हिंदू वो पुलिस कप्तान कहने लगे इबके पड़ गया धर पर अरे मारा नहीं एक कठुआ भी छोड़ा और कौन लेके किए बोले ये सच्चे हैं तुम इन्हें देख कर राजी नहीं नवाज को वक्त के जो लोही पट्टी के दाम है बैठे हैं अजीब न्यू कौन तुम ये लेके किए ले गए वो कहने लगा इसका तो मैं न्याय दूंगा सामने ईब का तो मैंने बिछा रखे है मारा दादा कहने लगा मतलब जो उसने लिख दिया भाई जब पकड़े तो गए जब मेरा बस नहीं फिर तो हमने चलान करना पड़ेगा था नीचे लुट तोड़ खाओ बात जो बता दी हाँ अच्छा अच्छा तारा न्याय दे भाई फिर उस दिन भाई तो फिर जमीन खोस ली बोले उठा चल रहा है उन्होंने देखा किसे जमीन जमीन खोस हुए उन्होंने देखा फिर आके मैं कुत्ते दे फिर जमीन लेके दी फिर जमीन लेके दी इनता है खेड़ी वाला है ठीक फिर इन आपकी भी बना दी ठीक ठीक और फिर मैं कुत्ते वो पिता जी टाइम हिंदुस्तान में तो आए हैं पाकिस्तान उस टाइम तक खोले खड़े थे खोले अच्छा मतलब आपने देखे खोले खड़े अरे देवड़ू में सादपुरा में अच्छा सादपुरा में ठीक ठीक अरे वाजुन सा ने ओठा का रंगड़ लोवा दूसरा गांव का वो आया मारा दादा लोवा अच्छा
फिर मैं जानो जमीन जाने जाने दूसरे दफा करो पता नहीं।